देखो 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 और हीरो से सीखो। चलो अब शुरू करते हैं। एक चौकोर पेपर लें और उसे बीच से इस तरह से तिकोना मोड़ दें। दूसरे साइड से भी तिकोना ही मोड़ेंगे, कोने से कोना को मिला करके, और उसे अच्छे से दबा दें, ओपन करें और फिर बीच से मोड़ दें उसको बराबर आधा आधा। फिर बीच से खोलिए और दोबारा उसको आधे मोड़िए, मतलब बीच का जो लाइन था वहां किनारे का लाइन मिला करके मोड़ देंगे। दोनों साइड से ही ऐसे ही मोड़ेंगे। अभी दूसरे साइड से फिर से उसको बीच से मोड़ करके और बराबर आधा कर लेंगे, और फिर से वो किनारे भाग को बीच वाले लाइन पे लाके मिला देते हैं ऐसे। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये वाली, इसको थोड़ा ऊपर की ओर ऐसे पुश करेंगे ताकि यहाँ एक तिकोना आकार बन जाए फिर से, और दूसरे साइड से भी ऐसे ही करेंगे। आप इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब इस नीचे वाले भाग को ऊपर करके किनारे का लाइन को बीच से लाइन से मिला दीजिए ऐसे। और ये जो पॉइंट है इसको बाहर की ओर ऐसे मोड़िए। इसे दबाइए, बीच से मोड़ दीजिए ऐसे। और ये बन गए, क्या बने? ये रहे इसके कान। ये कान को ऊपर ऐसे खींच के इस तरह से ऊपर की ओर खड़ा कर दीजिए, और नीचे ये बाएं हाथ के अंगूठा से ऐसे दबा करके उसको फिक्स कर दीजिए ताकि कान उसका खड़ा रहे ऐसे। खरगोश के कान खड़े होते हैं। पिछला भाग को इस तरह से नीचे की ओर टर्न करते हुए उसको मोड़ लीजिए। और यहाँ से खोल करके इस चिन के अंदर की ओर मोड़िए। ये बनेगा इसका पैर। अब इसको बीच से खोल के और इस पैर को थोड़ा और पॉइंटेड नुकीला बनाने के लिए इसको ऐसे मोड़ के और चुटकी से ऐसे दबा दीजिए, और दूसरे साइड के पैर को भी ऐसे ही दबाएंगे। दोनों पैर इसके बन गए। ये वाले भाग को अंदर की ओर थोड़ा दबाइए ऐसे, इस तरह से। देखिए लगभग आपकी बनी तैयार है। कान को थोड़ा अंदर की ओर उंगली लगा के ऐसे हल्का सा और सेक दीजिए। एक कान थोड़ा खुल जाना चाहिए तभी तो गोलाकार शेप आ जाएगा, तो देखने में और भी खूबसूरत लगेगा। अभी कुछ तो इसमें कमी है। हाँ, क्या कमी है? अब इसकी आंखें, ये बन गई आंख। अब हमारी जिम्मेदारी है इसे संभालना, इसे ठीक रखना ताकि आगे चल के हम इसका इस्तेमाल कर सके, समझ गए?